क्या एक महीने में ही पत्नी से बिगड़ चुका है देव उर्फ अक्षय खिरोडिया का रिश्ता। चल स्टार प्लस के पॉपुलर शो पांड्या स्टोर में देव पांडे का किरदार निभाने वाले एक्टर अक्षय खिरोडिया ने पिछले महीने 19 जून को गर्लफ्रेंड दिव्या पुनेथा से शादी की थी। उनकी सीक्रेट वेडिंग ने सभी को काफी सरप्राइज कर दिया था। अभी अक्षय और दिव्या की शादी की जिंदगी का चैप्टर शुरू ही हुआ था, किसी बीच अक्षय के एक पोस्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हाँ, अक्षय ने कुछ घंटे पहले ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा कुछ लिखा है जिससे उनके फैंस काफी हैरान हो रहे हैं। दरअसल अक्षय ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, एक थी मोहब्बत। सिर्फ यही नहीं बल्कि अक्षय ने कैप्शन के नीचे लिखा #heartbroken। मतलब अक्षय ने साफ साफ तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अक्षय ने जिस तरह से अपनी इंस्टा स्टोरी पर ये पोस्ट किया है वो उनकी मैरिड लाइफ में अनबन की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि लोग इसलिए भी हैरान हो रहे हैं क्योंकि अक्षय और दिव्या की शादी को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। अक्षय और दिव्या ने 19 जून को देहरादून में अपने परिवार के बीच शादी की थी। ये शादी काफी धूमधाम से हुई थी और सोशल मीडिया पर अक्षय ने अपनी शादी की खूब तस्वीरें भी शेयर की थी जो काफी वायरल हुई थी। दोनों की शादी पर इनके फैंस और स्टार्स ने खूब प्यार भी लुटाया था और अब एक महीने बाद ही अक्षय का ये पोस्ट उनकी न्यूली मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होने का हिंट दे रहा है। पर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो आपको बता दें कि अक्षय बॉलीवुड फिल्म से लेकर हॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके हैं। टीवी पर अक्षय को अपने करियर की शुरुआत किए हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है। पांड्या स्टोर से ही अक्षय को ज्यादा पहचान मिली है और इसी शो के बाद वो हर जगह पॉपुलर हुए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर के वायरल होने के बाद क्या अक्षय या फिर उनकी वाइफ दिव्या सामने आकर क्या कुछ कहते हैं। वेल, आपको क्या लगता है? शेयर कीजिए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।